हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिलीवर हर्ष एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि श्रावण का महीना हो चुका है खत्म। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। जैसा कि मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था आज के इस दिन का कि कब हम मटन बनाएं और मटन इंजॉय करें। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो चुका है पहले से ही, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं और मिलकर बनाते हैं हम मटन करी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं मटन बनाने के लिए। और देखिए, यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, अब ये गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा। तक हमारा ये हींग जीरा हो रहा है तब तक हम इसमें से बीज निकाल लेते हैं, क्योंकि बीज हानिकारक होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसमें डालेंगे अनियन, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ढक देते हैं, ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। हमारा प्याज हल्का हो गया है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मटन। आप लोग देख सकते हैं कि हमने मटन अपना धुल लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना मटन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने ऐड कर लिया अपना मटन, और इसको एक बार हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। ये हो चुका है अच्छे से मिक्स, और इसको अब हम ढक देते हैं और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये चेक करते हैं कि कहाँ तक हमारा प्रोसेस पहुँचा है। तो मटन हल्का हल्का पानी अभी छोड़ रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सॉल्ट, जिससे कि मटन के पीसेस अच्छे से गल जाए। तो ये हमने लिया थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर से इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। 15-20 मिनट बीत चुके हैं, आइए देखते हैं क्या है हमारा कंडीशन मटन का। इसको एक बार हम अच्छे से फिर से चला लेते हैं। चलिए फिर से इसको ढक देते हैं और देर थोड़ी देर पकाते हैं। तो गाइस, मटन बनाते बनाते देखिए बारिश काफी तेज शुरू हो गई है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या जोरदार बारिश हो रही है। तो नियर अबाउट 30 मिनट बीत चुके हैं, और देखते हैं कि कहां तक पहुंचा है हमारा प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोसेस एकदम ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपना मसाला। तो गाइज, नियर अबाउट 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मसाला। तो देखिए, ये है हमारा मसाला, इसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन का भी पेस्ट है, गरम मसाला है, हल्दी है और सॉल्ट है। चलिए तो इसमें ऐड करते हैं अपना मसाला। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। हमने ऐड कर दिया अपना मसाला, और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये पैकेट का मसाला, मीट मसाला है ये। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। एक तो बारिश हो रही है और साथ में मटन बन रहा है, तो मटन और बारिश का कॉम्बिनेशन काफी अद्भुत होता है। तो ये फीलिंग केवल एक नॉन वेजिटेरियन ही समझ सकता है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा, काफी मजा आने वाला है वीडियो में। 15 मिनट बीत चुके हैं मसाला डालने के बाद, और काफी अच्छी स्मेल आ रही है। इस स्मेल के लिए लिटरली हम लोग तरस चुके थे, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। चलिए इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं पूरे, कि हमारा कहीं मटन लगे ना। ये देहाती स्टाइल में बन रहा है, तो एक बार थोड़ा देहाती अंदाज में इसको चेक करते हैं कि इसके पीसेस पके हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छे से पक चुका है मटन हमारा। ये देखिए,
थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे हम वाटर। चलिए इसको ढक देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम वाटर। तो एज यू कैन सी गाइस, हमने ऐड कर दिया इसमें पानी और अब हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, फिर हमारा मटन होने वाला है रेडी। तो मटन खाने से पहले मैं मिलाना चाहता हूँ एक बंदे से। भाई इधर आओ एक बार। इससे आप मिल चुके हैं, हमारे पुराने वीडियोस में आ चुका है। तो ये है मेरा भाई। तो मैं गाइस आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा वेट इसने किया है मटन खाने का। तो आखिरकार ये दिन आ ही गया। हम लोग काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि भाई कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। सामान काउंट करते, फिंगर पर काउंटिंग चल रही थी कि आज ख़त्म होगा, दो दिन बचा, चार दिन बचा है। तो फाइनली भाई वो दिन आ चुका है। और कैसी फीलिंग्स आ रही है तुम्हारी बताओ? एकदम क्या बताएं, जैसे लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रही है एकदम। तो इसके थोड़े हुलिये मत जाइएगा, मटन का काफ़ी शौकीन है और वेट कंप्लीट हो चुका है। और अब वेट हो रहा है कि नहीं? अगर तुमको कोई बोल दे कि भाई आज नहीं मिलेगा खाने को, भाई तब तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो भाई तुमको कोई बोलने वाला नहीं है कि आज नहीं मिलेगा मटन खाने को, मटन आज ही मिलेगा खाने को तुमको। और वेट कंप्लीट ही हो चुका है, तो बस 5 मिनट और फिर उसके बाद इंजॉय करते हैं मटन। फाइनली हमारा मटन बन के हो चुका है रेडी। तो आइए चेक करते हैं कैसा बना है। कम एंड चेक इट आउट। ये देखिए क्या लाजवाब बना हुआ है हमारा मटन। ये देखिए अद्भुत, देखने में इतना प्यारा लग रहा है। ग्रेवी चेक करिए, ग्रेवी ये देखिए, ग्रेवी इतनी शानदार बनी हुई है। अब वेट नहीं हो रहा है का, बहुत ज़्यादा वेट पहले ही से हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं सर्व और खाते हैं। सो गाइस देखिए हमने मटन सर्व कर लिया है और चलिए अब इंतज़ार होने वाला है ख़त्म। करते हैं मटन टेस्ट और बताते हैं कैसा है टेस्ट। क्या बताऊं, इतने दिनों की जो अंदर से आग लगी थी आज बुझने वाली लग रहा है। काफी टेस्टी मटन बनाया है। तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, मटन खाने के बाद फिर बात करते हैं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, हमारा मटन हो चुका है फिनिश और कसम से एक नंबर का मटन बना था मेरे हिसाब से। चलिए रिव्यू लेते हैं भाइयों से। भाई कैसा बना था? एक नंबर भाई, एकदम क्या बता, इतने दिन से मिला नहीं था, आत्मा देखो गया भाई। सही में एकदम दिल को सुकून मिल गया, इतना अच्छा बना था। भाई संदीप भैया से पूछे, ये हमारे देखिए भैया है, तो बताइए कैसा बना था भैया? बहुत ही अच्छा बना था और जितना हम लोग समझ रहे थे उससे बहुत अच्छा बना। सो गाइज यहाँ पे होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।